वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैलेंटाइन डे आने वाली है, तो मैंने उसी ओकेज़न को ध्यान में रखते हुए ये वाला लुक क्रिएट किया है। स्पेशली जिनकी शादी हुई है, नई नई शादियाँ हुई है, वो अगर इस लुक को वैलेंटाइन डे पर क्रिएट करेंगे तो उनका वैलेंटाइन डे बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा। ऐसे कोई भी इसे क्रिएट कर सकता है, बट न्यू ब्राइडल अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही उनके वैलेंटाइन डे अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। एंड उसके सामने में एक बेल आइकन होगा तो उसे हिट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक वाइप्स लेके अपने स्किन को अच्छे से क्लीन करूँगी, जिससे जो भी डर्ट्स होंगे वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद एक टोनर लूँगी मैं, यहाँ पर गुड वाइप्स की टोनर यूज़ कर रही हूँ, उसे अच्छे से अपने फेस पर लगाऊँगी एंड टैप टैप करके उसे अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने दूँगी। उसके बाद यहाँ मैं पर्पल की विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ, उसे अच्छे से लगाऊंगी एंड अपने आईज़ को स्पेशली मसाज करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ गुड वाइब्स की मल्टी विटामिन क्रीम ले रही हूँ, जिससे कि मेरी स्किन थोड़ी सी हाइड्रेट हो जाए। मेकअप का बेस रेडी कर लूँ मैं पहले। उसके बाद मैं आँखों के ऊपर एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर लगा रही हूँ एंड मैं अपने आईब्रो को फिल करने के लिए एक एसेडो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से अपने आईब्रो के कलर का शेड लेके उसे फिल करूँगी, जिससे मेरा आईब्रो थोड़ा सा नेचुरल सा लुक लगे। और वैलेंटाइन डे है तो हर कोई चाहेगा कि कुछ स्पेशल सा लगे, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने मेकअप को हेवी करने का कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद एक स्पूली की हेल्प से उसे अच्छे से सेट करूँगी, जिससे वो बिल्कुल नेचुरल सा लगे। एंड उसे बिल्कुल नेचुरल दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा कंसीलर लूँगी, उसे साइड साइड से लगाऊंगी ऊपर नीचे दोनों आईब्रो के एंड उसे अच्छे से ब्लेंड भी करूंगी, जिससे वो बिल्कुल नेचुरल सा शेप आ जाए। जैसे अच्छे से लगाना है, ऊपर नीचे दोनों लगाएंगे हम, दोनों आईब्रो में ऐसे ही हमें करना है। अच्छे से लगाने के बाद उसे अच्छे से हमें ब्लेंड भी करना है। उसके बाद मैं लैक्मी का लूज पाउडर ले रही हूँ और उसे अच्छे से सेट करूँगी, जिससे कि कोई हार्श लाइन ना हो। तो आज मैं सबसे पहले अपना आई मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पेशल ओकेज़न के लिए कर रही हूँ, तो आई मेकअप थोड़ा सा हैवी रखूँगी, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का आईशैडो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से एक पिंकिश सा शेड लूँगी और उसे अप्लाई करूँगी। और मैंने दोनों साइड टेप लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है हमें, यहाँ पर ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। और जब आप किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए रेडी हो रहे तो आप चाहेंगे कि बहुत अच्छे से रेडी हो। उसके बाद मैं एक थोड़ा सा लाइट सेट लूँगी और उसके बाद उसके नीचे से अप्लाई करूँगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही मैं दोनों आईज में करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे हाफ कट क्रीज बना रही हूँ, धीरे धीरे ये करना। अगर पहली बार कर रहे हो जाएगा, आप ट्राई करिएगा। धीरे धीरे कंसीलर लेना है, एक पेंसिल जैसी ब्रश लेके उसे अच्छे से लगाना है, बट यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, हाफ ही कर रही हूँ यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद उसे सेट करने के लिए एक लाइट सिमर सा सेट लूँगी और एक ब्रश की हेल्प से उसे सेट करूँगी। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो ले रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है तो आप इसे यूज़ कर सकती है। उसके बाद एक पतला सा आईलाइनर ग्लिटरी वाला गोल्डन कलर में लेके उसे अपने कट क्रीज के ऊपर लगाऊंगी, जिससे थोड़ा सा आईज बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा लगे। अच्छे से लगाना है, कट क्रीज पे ही लगाना है आपको। उसके बाद मैंने दोनों टेप हटा देना है। और अब मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये लैक्मी का है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें बहुत ही प्यारा है, बजट में भी है और बहुत ही अच्छे से लग जाता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए ये वाला ही यूज़ करती हूँ। इसी तरह से मैं दोनों आईज़ में लगाऊंगी।
उसके बाद मैं अपने आईलेसेस को कर्ल करूँगी, उसके बाद मैं फेसेस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि ये भी बहुत अच्छा है। हल्का सा लगाओगे आपके आईलेसेस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देंगे एंड कर्ल हो जाते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ मैं अपना बेस रेडी कर रही हूँ और यहाँ पे एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर लगा रही हूँ, अच्छे से लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए एलिमिनेटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्पेशल ओकेज़न है, थोड़ा सा हटके तो मेकअप बनता ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एलिमिनेटर यूज़ कर रही हूँ और ये मेबलिन का है। अच्छे से लगाऊंगी जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है। उसके बाद मैं यहाँ लोटस का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ही लूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी एक ब्रश की हेल्प से। ये हाई कवरेज फाउंडेशन है पार्टी वेयर के लिए, या कोई स्पेशल ओकेज़न पे आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ तो प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन, मैं वहाँ पे सारे लिंक डाल दूँगी। और ये आपको लग रहा होगा कि ये मेरे सेट का नहीं है, बट ये अच्छे से कुछ देर बाद एब्जॉर्ब होके मेरे स्किन का ही हो जाएगा। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। उसे भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैं अपने फेस को कंटूरिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैं आईशैडो पैलेट से ही एक ब्राउन सा शेड लेके उसी से अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अपने नोज़ को भी मैं कंट्रोल करूँगी जैसे कि मेरी नोज़ थोड़ी सी पतली लग जाए। उसके बाद मैं अपने फेस को बेक करूँगी उसी लैक्मे के लूज पाउडर से। उसके बाद मैं उसी एसिडो पैलेट से एज अ ब्लश के लिए पिंकी सा शेड लूँगी जो कि बहुत अच्छा लगता है, मैं अधिकतर यूज़ करते रहती हूँ, वो कलर ही इतना प्यारा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लश के लिए अच्छा लगता है। अपने नोज़ पे भी थोड़ा सा लगाऊँगी। उसके बाद मैंने जो अपने फेस पे एक्स्ट्रा पाउडर लगाया था उसे मैं क्या करूँगी ब्रश की हेल्प से हटा दूँगी। उसके बाद मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो कलर मैंने आईलिड पे लगाए थे उसे मैं अपने आँखों के नीचे लगाऊंगी और लगा लगा के अच्छे से ब्लेंड करना है हमें। उसके बाद लिक्विड वाला जो आईलाइनर था, सॉरी आईशैडो जो था, उसे भी हमें लगाना है तो वो हमारे आईज़ को पूरा करेगा। उसके बाद मैं फेसेस का काजल ले रही हूँ और मैंने यहाँ ऑफ कैमरा फेक लेसेस लगा लिए हैं। उसके बाद मैं रेड कलर का लिपस्टिक ले रही हूँ क्योंकि वैलेंटाइन है तो थोड़ा सा रेड तो बनता है, उसे अच्छे से लगाऊंगी। उसके बाद एक सेटिंग स्प्रे से अपने फेस को अच्छे से सेट करूंगी
और यहाँ पे मेरा मेकअप जो है वो डन होता है, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपने इस लुक को क्रिएट किया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली थोड़ी सी बढ़ जाए। थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।